हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस 24 स्लॉट 2800 आरपीएम फोर कॉइल टेबल फैन को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसके स्विच को सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और देखिए दोस्तों, बल्ब ग्लो कर रहा है पर फैन घूम नहीं रहा है। तो अब हम इसके कनेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं और सीरीज बोर्ड से कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। तो सीरीज बल्ब जल रहा है। अब हम इसके कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। तो सीरीज बल्ब जल रहा है। और अब हम रनिंग कॉइल कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीरीज बल्ब जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह रनिंग कॉइल जल गई है, शॉर्ट हो गई है। तो अब हम इस टेबल फैन को बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जालियों को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार हम इसकी जाली को बाहर निकालते हैं। तो अब हम इसकी ब्लेड को भी बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार। इसके बाद अब हम इसकी बैक कवर जाली को भी स्क्रूओं को खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, मैंने जाली बाहर निकाल ली है। अब हम टेबल फैन कवर को खोलते हैं और इन स्टड को बाहर निकाल लेते हैं। दोनों स्टड बाहर निकालने के बाद अब हम दोनों कवर को इस प्रकार स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह इसका रोटर है और यह इसका स्टेटर है। अब हम इस स्टेटर को भी इस से बाहर निकाल लेते हैं। एक चाबी की सहायता से स्टेटर को इस प्रकार घुमाकर हम इस स्टैंड से बाहर निकाल लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, अब हम इसके वायर को भी इस प्रकार बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके धागे को बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद अब हम इन स्टार्टिंग कॉइल को स्टेटर से बाहर निकालेंगे। इन कॉइलों को हम सावधानी पूर्वक बाहर निकालेंगे ताकि हम इनका गेज नंबर SWG और इनके टर्न और कॉइल की लंबाई आसानी से ले सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम स्टार्टिंग कॉइल को स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। यह 24 स्लॉट 2800 आरपीएम हाई स्पीड टेबल फैन है दोस्तों, जो कि सिन्नी टाइप में रहता है। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग दोनों कॉइल बाहर निकाल ली हैं दोस्तों। अब हम रनिंग कॉइल को स्टेटर से बाहर निकालते हैं। इस टेबल फैन को हम एल्युमिनियम वायर से बाइंड करेंगे। इस टेबल फैन बाइंडिंग के दो भाग होंगे दोस्तों, जिसमें यह पार्ट पहला है। इसके बाद पार्ट टू भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो यह फर्स्ट रनिंग कॉइल भी मैंने बाहर निकाल ली है दोस्तों।
इसके बाद यह सेकंड क्वाल भी मैं स्टेटर से बाहर निकाल लेता हूँ। अब इन क्वालों को बाहर निकालने के बाद अब हम इस स्टेटर की पीवीसी सीट को भी इस प्रकार स्टेटर से रिमूव कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने पीवीसी सीट को रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें नई पीवीसी सीट को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने नई पीवीसी सीट स्टेटर में इंस्टॉल कर ली है। इस पीवीसी सीट का नंबर 7 है और मैंने स्लॉट पेपर भी काट कर रख लिए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।